हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आप मेरे से हर बार मेरी हेल्थ के बारे में, मेरी सेहत के बारे में और 70s में भी मैं एक्टिव कैसे हूँ उसके बारे में पूछते रहते हैं, तो आज मैं उसी के लिए आपको बताती हूँ कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से मैं अपनी डाइट में शामिल करती हूँ जो मुझे ऐसे आगे बढ़ने में, हेल्दी रहने में मदद करते हैं। और ये मैंने अपने बड़ों से सीखा है, अपनी माँ से सीखा है, अपनी नानी से सीखा है, मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ और आप सब भी मेरे बच्चे हैं तो मैं आपको भी यही चीजें बता रही हूँ। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आई ट्राई नॉट टू ड्रिंक कैलोरीज। कैलोरीज ड्रिंक नहीं करना है। कैलोरी ड्रिंक कब होती है? जब हम मार्केट वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तब कैलोरीज ड्रिंक होती हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो इस तरीके से कैलोरीज खाई जाती है, जो हमारे पेट में जाती हैं, हमारा माइंड जल्दी से उनको रजिस्टर नहीं करता है, और जब रजिस्टर नहीं करता है तो वो और ज्यादा खाई जाती हैं। एक तो आपने हाथ में कोक ले ली, साइड में बर्गर ले लिया जिसके अंदर सब कुछ भरा हुआ है, तो वो नुकसान करता है क्योंकि उसमें कितनी कैलोरी आपके अंदर गई वो आप काउंट नहीं कर पाते हो जल्दी से, आपका माइंड रजिस्टर नहीं करता है और टेस्ट में आप और ज्यादा खा लेते हो। और जब ऐसा होता है तो इससे एक नहीं 50 बीमारियां लग सकती हैं, बीमारियों की संभावना हो सकती है, और सबसे बड़ी बीमारी तो ओबेसिटी की हो सकती है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, मेटाबॉलिज्म लो हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी हो सकता है। तो क्या करना है आपने कि यू डोंट हैव टू ड्रिंक कैलोरीज। अगर आपका मन भी करता है पीने का तो घर में बना के जूस पिए, और मैं तो कहती हूँ कि अगर जूस ना ही पिए तो ज्यादा अच्छा है, आप अपने फ्रूट और सब्जियां ऐसे ही खाएं तो वो ज्यादा फायदा करेंगे। सेकेंड काम जो मैं करती हूँ कि मैं अपनी डेली रूटीन में नट्स एंड सीड्स को शामिल करती हूँ। कभी चाहे वो मैं उसको रोस्ट करके पाउडर बना के अपने सैलेड में डालूं या अपनी चपाती में डालूं या किसी भी तरीके से, आई ट्राई टू ईट नट्स एंड सीड्स इन माई रेगुलर डाइट। कुछ लोग कहते हैं कि नट्स खाने से मोटे हो जाते हैं। हाँ, उनमें फैट तो होता है, मोटे हो सकते हैं अगर अंधाधुंध खाया जाए तो, अगर आप लिमिट में खाते हैं तो मोटे नहीं होते हैं। स्टडीज में ये पाया गया है कि इनसे मिलने वाली 15-20% तक की जो कैलोरीज हैं उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, कैलोरीज को नहीं करती है। और ये भी पाया गया है स्टडीज में कि जो लोग बादाम को अपनी डाइट में शामिल करते हैं वो वेट लूज करना चाहते हैं तो 60% तक उनके चांसेस बढ़ जाते हैं वेट लूज प्रोसेस को तेज करने में। तो नट्स एंड सीड्स खाना भी जरूरी है, जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। नंबर 3 जो मेरा मेन चीज है, मैंने आपको अपनी मदर का एक वीडियो दिखाया था जिन्होंने कहा था कि घर का बना खाना सबसे अच्छा होता है, और मैं भी इस चीज को मानती हूँ। तो ईट रियल फूड। रियल फूड कौन सा होगा? जो आपने बनाया है, आपको पता है उसके अंदर क्या डाला है, कितने न्यूट्रिएंट उसके अंदर है, कौन सी चीज अच्छी है, वो आपको पता होगा। ताजा खाना खाएं, बासी खाना नहीं कि 4 दिन के लिए फ्रिज में रखा हुआ है उसको निकाल निकाल के खा रहे हैं, ऐसा नहीं। खाने में, अपनी सेहत में कोई आलस नहीं होना चाहिए, ताजा घर का बना हुआ खाना खाएं, वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यही रियल फूड है। अगर आप जंक खाते हैं दैट इज नॉट रियल, और अगर आप जंक खाते हैं तो उससे मेटाबॉलिज्म तो लो होगा ही होगा, कैलोरीज इनटेक ज्यादा होगा और आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। जो आपको अपने घर के ताजा खाने में मिल सकते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे, आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिलेगी, एम्प्टी कैलोरीज मिलेंगी जो मोटापा तो बढ़ाएंगी बट एनर्जी को लूज करेंगी। तो मेरा नंबर 3 पर आता है कि ईट रियल फूड। कॉफी एंड ग्रीन टी, ये भी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन किसी भी चीज की एक्सेस खराब होती है वो मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ, तो दिन में एक बार कॉफी, एक बार ग्रीन टी वो लेना भी काफी अच्छा है, वो सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं अगर इस तरीके से लिमिट में लिए जाए। टेक केयर ऑफ योर गट हेल्थ। आपका स्टमक, आपका डाइजेशन जो है वो हमेशा अच्छा रहना चाहिए, पेट डेली क्लियर होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाएंगे, रिफाइंड नहीं खाएंगे, क्योंकि रिफाइंड खाने से डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, रिफाइंड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होते हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो लो होता है, खाया
फिर दोबारा भूख लगी, फिर खाया, फिर दोबारा भूख लगी। तो ऐसा खाना अगर हम खाते हैं तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो सकता है। तो गट हेल्थ को अगर हेल्दी रखना है तो मैक्सिमम फाइबर रिच फूड खाने चाहिए, प्रोबायोटिक्स खाने चाहिए। ये दोनों ही चीजें गट हेल्थ को अच्छी रखती हैं। और फाइबर रिच फूड जो है वो गुड बैक्टीरिया के लिए अच्छा फ्यूल होता है। अगर हमारे डाइजेशन में गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी अच्छी है तो हमारी डाइजेशन अच्छा होगा और न्यूट्रिएंट्स बॉडी में सही से एब्जॉर्ब होंगे। दिन में 2 से 3 लीटर फ्लूइड आपके अंदर जाना चाहिए, चाहे वो आप पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं या कोई जूस पी रहे हैं। आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है और वाटर इनटेक कंटिन्यूस होते रहना चाहिए ताकि बॉडी में ड्राइनेस नहीं आए, बॉडी की इलास्टिसिटी बनी रहे। एक रूल कि आप खाना खाने से आधा घंटा पहले एक गिलास पानी पी लें, हल्का सा ल्यूक वॉर्म। तो उससे आप जब खाना खाएंगे तो डाइजेशन प्रोसेस तेज होगा, आपका बॉडी के अंदर जाने के बाद न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट जल्दी से अलग हो जाएगा और न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये एक अच्छा रूल है, आयुर्वेदिक रूल, कि अगर आप खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीते हैं तो बहुत फायदा करता है। टेक विटामिन डी नेचुरली, और वो आपको कब मिलेगा? नेचुरली तो तब मिलेगा जब आप सनलाइट में जाएंगे, और सन में आप दोपहर में तो जा नहीं सकते हैं। इसके लिए अगर आप जल्दी उठते हैं और 15 से 20 मिनट भी अगर धूप में आप वॉक कर लेते हैं तो आपके दो काम एक साथ होते हैं, वॉकिंग भी हो गया और आपको विटामिन डी भी पूरा मिल गया। तो नेचुरल तरीके से विटामिन डी लेने की कोशिश करें, क्योंकि विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर बोन्स को मजबूत करता है, टीथ को मजबूत करता है। अगर हमारा बॉडी फ्रेम सही मजबूत रहेगा तो हम हेल्दी रहते हैं। उसके साथ साथ कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो विटामिन डी की मदद से जल्दी हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब होते हैं। तो ये विटामिन डी बहुत जरूरी है, इसको नेचुरल सोर्स से लेना चाहिए। अगर कमी हो जाए तो फिर उसके सप्लीमेंट भी लेने पड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि सप्लीमेंट लेने पड़े। हाँ, और कुछ एक फूड आइटम्स हैं जिनसे भी हमें ये मिल सकता है। अपनी डाइट में मैंने बताया कि फैट को शामिल करना, फैट के साथ साथ प्रोटीन को शामिल करना भी बहुत जरूरी है। अगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाई जाए तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो क्रेविंग नहीं होती है, बार बार कुछ खाने की क्रेविंग नहीं होती है कि कुछ और खा ले, जो बेकार में हमारे अंदर कैलोरीज को बढ़ाती रहती हैं। प्रोटीन खाने से हम काफी लंबे समय तक अपने आप को फुल महसूस करते हैं और बार बार खाने की जरूरत नहीं होती है। साथ में एनर्जी मेंटेन होती है और मसल्स मेंटेन होते हैं। आपकी बॉडी को जब ज्यादा थक जाती है तो एनर्जी, उसको और एनर्जी चाहिए होती है। जैसे आप वॉक करके आए हैं, बहुत थक गए हैं, उसको एनर्जी चाहिए। तो अगर आपने प्रोटीन खाया है, प्रोटीन रिच फूड खाया है या फैट खाए हैं, तो बॉडी जो है वहां से एनर्जी ले लेती है, फैट से एनर्जी ले लेती है और आपके मसल्स को प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसलिए ये दोनों चीजें अपनी डाइट में जो मैं शामिल करती हूँ ये बहुत अच्छी होती है। लेकिन फैट खाने का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी खाया जाए। गुड फैट आपके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल को बनाएगा, और गुड कोलेस्ट्रॉल अगर है आपकी बॉडी में तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल के बैड इफेक्ट को खत्म करने में काफी हद तक आपकी मदद कर सकता है। तो और बैड कोलेस्ट्रॉल आता है हाइड्रोजनेटेड फैट से, आप उसको छोड़ दें और गुड फैट खाने की कोशिश करें, बहुत फायदा करेगा, लेकिन लिमिट में। ये नहीं है कि फैट अच्छा है तो चलो भर भर के घी खा लिया, इतना इतना डाल के पराठा खा लिया, वो नहीं, लिमिट में खाया जाए तो अच्छा होगा। रिफाइंड कार्ब्स तो कभी नहीं खाने चाहिए। कार्ब्स अगर आप खाते हैं होल ग्रेन से खाएं, आप फ्रूट से खाएं, वेजिटेबल से खाएं, लेकिन रिफाइंड कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, वो बहुत नुकसान करते हैं। अब उसके बाद आता है कि खाना पीना तो हो गया, उसके साथ साथ एक्सरसाइज और वॉक बहुत जरूरी है। ये आपका 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जो आपका सिर्फ अपने लिए है, जिसमें आप या तो वॉक कर रहे हैं या तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये मस्ट है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है मसल्स और बोन्स स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर वॉक कर रहे हैं, तो ये स्टिफनेस नहीं आती है और हमें चलने फिरने में, उठने बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एक्सरसाइज और वॉक इज मस्ट। अगर हो सके तो थोड़ा बहुत वेट भी लिफ्ट करना चाहिए, उससे मसल्स में स्ट्रेंथ आती है। आपने 5 kg का वेट उठाया, आपके जो बाजू के हाथ के मसल्स हैं वो मजबूत होते हैं, उनमें एक इलास्टिसिटी भी बनी रहती है और मजबूती भी बनी रहती है। अपनी डाइट में स्पाइसेस और हर्ब्स को शामिल करें। स्पाइसेस को शामिल करने का ये मतलब नहीं है कि बहुत तीखा खाना है, आपने तीखा खाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल जैसे हमारे यहाँ स्पाइसेस क्या है, हल्दी, जीरा, धनिया,
मिर्च, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सारी चीजें बहुत फायदे वाली होती हैं। अगर इनका बीच बीच में कंकोशन बना के पिया जाए, इनको अपनी चाय में डाल के यूज किया जाए, इनको अपनी लस्सी के साथ यूज किया जाए, तो ये हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल हीलिंग, अंदर जाके एक डॉक्टर का काम करते रहते हैं और हीलिंग का प्रोसेस जो है उसको सही रखते हैं। बॉडी में कोई टॉक्सिन्स जमा नहीं होने देते हैं, इम्प्योरिटीज जमा नहीं होने देते हैं और मेटाबॉलिज्म को सही रखते हैं। इसमें हर्ब्स भी काफी, जैसे जिंजर है, तुलसी, अदरक, अश्वगंधा, गिलोय, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, इनको अपनी डाइट में कभी 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 शामिल करते रहना चाहिए। अदरक की चाय तो हम रोज पी सकते हैं। अब खाना पीना हो गया, ये मैं आपको बता रही हूँ मैं क्या करती हूँ। उसके बाद हो गया कि हमें एक्सरसाइज कैसे करनी और कितनी करनी चाहिए, उसके साथ साथ नींद, स्लीप इज मस्ट, सोना, नींद आना, साउंड स्लीप बहुत जरूरी है। अगर आपकी नींद जो है वो साउंड स्लीप है, मतलब आपको प्रॉपर रेस्ट मिलता है, तो आपकी बॉडी सही रहती है, टिश्यूज, मसल्स सब सही रहते हैं, वेयर एंड टेयर नहीं, ज्यादा नहीं होता है, और होता है तो साथ के साथ बॉडी अपने आप को रिपेयर करती रहती है, जिससे बीमारियों का डर खत्म हो जाता है। बीमारी कौन सी, जो लाइफस्टाइल डिजीज आजकल कहते हैं कि स्ट्रेस हो गया है, बीपी बढ़ गया, बीपी लो हो गया, डायबिटीज हो गई, ओबेसिटी हो गई, ये सारी चीजें लाइफस्टाइल डिजीज हैं। तो अगर इन चीजों को अपनाते हैं तो आप इन डिजीज से आराम से बच सकते हैं, और इनसे बचना ही तो हमारा एम है ना। ये खुद के लिए क्या किया वो हो गया, उसके साथ है कि टेक केयर ऑफ योर रिलेशंस, रिलेशंस विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद योर सोसाइटी, ये भी बहुत मस्ट है। आप अकेला, हम इस संसार में रहते हैं, आपने सुना होगा ना, मैन इज अ सोशल एनिमल, इसीलिए कहते हैं कि सोसाइटी में, अपने परिवार में सबके साथ अच्छे रिलेशन बना के रहें तो हमारा गुड हैप्पी हार्मोन रिलीज होता रहेगा, हम हैप्पी रहेंगे और हैप्पी रहेंगे तो खुश रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। फिर इन सब चीजों का ट्रैक रखना बहुत जरूरी है। हमने सोच लिया कि हमें ये सब करना है, लेकिन किया या नहीं किया वो देखना भी जरूरी है। तो कीप अ ट्रैक दैट वट एवर आई एम थिंकिंग, वट एवर आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, फॉर माई बॉडी, फॉर माई हेल्थ, फॉर माई हैप्पीनेस, इज इट रेगुलर, क्या मैं इसे कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं लगातार। अगर आप इसका ट्रैक रखते हैं और लगातार इसको करते रहते हैं, इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हेल्थ अच्छी ना हो। तो ये कुछ एक छोटी छोटी चीजें हैं जिनका मैं ध्यान रखती हूं, और यही कारण है कि मैं थैंक गॉड मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी लाइफस्टाइल बीमारी नहीं है, कोई ऐसी मुझे दवाई खानी नहीं पड़ती है। बिना दवाई के सिर्फ हर्ब्स एंड स्पाइसेस खाके और होल ग्रेन खाके मैं हैप्पी रहती हूं, खुश रहती हूं, चलती रहती हूं, आपके सामने आती रहती हूं और ऐसे ही आती रहूंगी। आई होप ये सिंपल चीजें हैं जिसको सब जानते हैं, लेकिन कभी अपनी जीभ जवान के टेस्ट के कारण, कभी अपने स्ट्रेस के कारण इनको अपनाने में थोड़ा आलस कर देते हैं। तो आप इनको अपनाने में आलस मत करिए, आप इनको अपनाइए, अपना के देखिए, बहुत अच्छी हैबिट्स हैं, बहुत फायदा करती हैं। आई ऑलवेज फील लाइट, जैसे कोई स्ट्रेस है ही नहीं, तो जिंदगी चल रही है, एक रूटीन में चल रही है, कोई स्ट्रेस नहीं है और उससे खुशी मिलती है। तो ये खुशी आप अपनाइए, खुशी को मेंटेन रखिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।